हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी पल्स पीढ़ी साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीड़ित कहते हुए मुझे भी अफसोस होता है, क्योंकि मैं भी एक पीड़ित हूँ और आप भी एक पीड़ित हैं, और पीड़ित ही पीड़ित का दर्द समझता है। दोस्तों, आज हम आपको कोई धरने प्रदर्शनों की न्यूज़ देने नहीं आए, और सही विभाग तो 6 महीने में या 1 साल में ही न्यूज़ देता है जब कभी पोर्टल पर कोई प्रोसीजर चालू करते हैं। तो दोस्तों, रही बात गोद मीडिया की, तो गोद मीडिया को दोस्तों हम ऐसे ही बुरा नहीं कहते, यानी कितने इतने सबूत हमारे पास रहते हैं जो गोद मीडिया गैर निवेशकों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश करती है कि सबसे बुरी अगर कंपनी कोई थी तो पीएसएल कंपनी थी, उसके बारे में किस तरीके से अपने अखबारों में और अपने चैनलों पर ये बताते हैं। दोस्तों, आज हम उसके बारे में आपसे जिक्र करेंगे और बताना चाहेंगे कि पल्स के 6 करोड़ से अधिक निवेशकों को धोखा दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं अपने हेडिंगों में जिन्होंने पीएसएल में अपने कड़ी मेहनत के पैसे का निवेश किया था। पिछले 15 वर्षों में पीएसएल और पल्स गोल्डन वन लिमिटेड वन विभाग लिमिटेड के अवैध रूप से निवेशकों से 49,100 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। बिक्री के नाम पर निर्मल भंगू समूह द्वारा नियंत्रित दो कंपनियों कृषि भूमि के विकास में निवेशकों को उच्च रिटर्न का दावा किया और उससे पैसा इकट्ठा किया, लेकिन निवेशकों द्वारा निवेश किए गए पैसों का 1% भी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये न्यूज़ इस तरीके से अखबारों में आती है, तो दोस्तों हकीकत क्या है ये वही जानता है जो पल्स का एजेंट है और पल्स से आज से 30 साल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 1996 की बात नहीं कर रहे हम, दोस्तों हम 1982 की बात कर रहे हैं, जिस वक्त पल्स कंपनी से पहले जो कंपनी हमारी थी वो पीजीएफ के नाम से थी, उसके बाद दूसरी इकाई का नाम रखा गया था पीएसएल। तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये यहाँ पर आप लोगों को न्यूज़ दिखाते हैं और बताते हैं कि कंपनी ने कितना बड़ा घोटाला किया, तो दोस्तों 1981 और 82 से लोग लूटते आ रहे हैं और निरंतर 40 साल तक लूटते रहे, उन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला। यहाँ कहीं रिटर्न का कोई नाम नहीं होता कि किस तरीके से इनकी स्कीमें चलती थी, किस तरीके से रिटर्न दिया जाता था। हर 5 साल के बाद निवेशक को उसका डबल पैसा दिया जाता था, अगर एफडी है तो और आरडी खाता है तो डबल से कुछ कम दिया जाता था। दोस्तों, इनके प्लान हर 5 साल बाद निवेशकों को फायदा पहुंचाते थे, लेकिन गोद मीडिया इस तरीके से निवेशकों को गुमराह करती है और निवेशकों तक ऐसे संदेश पहुंचाती है गैर निवेशकों तक, जिससे ये पता चले कि कंपनी एक सबसे बड़ी लुटेरी कंपनी थी। तो दोस्तों, ये एक कंपनी की कहानी नहीं है, पूरी 30,000 से ज्यादा जो चिन्हित कंपनी टॉप मोस्ट कंपनी थी जिन्हें इस भारत सरकार ने अपना लाइसेंस दिया, उस लाइसेंस के आधार पर दोस्तों आज 30,000 कंपनियों को इन्होंने लुटेरा बता दिया, उनके साथ निवेशकों के साथ लूट बता दी। तो दोस्तों, कहीं भी गोद मीडिया ये नहीं बताती कि इन निवेशकों को जो लाइसेंस दिया भारत सरकार ने उसको देखकर निवेशकों ने ही पैसा लगाया, ये कभी नहीं बताती। तो दोस्तों, जो भी बात बताती है ऐसी बताती है जो कि पूरा गैर निवेशक गुमराह हो जाए। तो दोस्तों, हम अधिकांश पीएसएल की बात आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एजेंट और निवेशक भारतीय ग्रामीणों क्षेत्रों और गांवों से संबंधित है। इन सब गरीबों में कुछ भी पैसा जो इन्होंने अपनी मेहनत का जमा किया था दोस्तों, उसका निवेश पल्स में किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की न्यूज़ों में जो मूर्खता हमें नज़र आती है, उस मूर्खता के आधार पर दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त जिस मैटर के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं उसमें अधिकांश बहुत सी ऐसी अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं जिसका बखान कभी आज तक गोद मीडिया ने नहीं किया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि भारत के किस क्षेत्र में पीएसएल के एजेंट और निवेशक सबसे ज्यादा है, उनकी सबसे ज्यादा संख्या है। तो अधिकांश पीएसएल के एजेंट और निवेशक भारतीय ग्रामीणों क्षेत्रों और गांव से संबंधित हैं। इन गरीब लोगों ने जो कुछ भी अपना पैसा जमा किया था उसका निवेश पल्स इंडिया लिमिटेड में जमा किया था, और दोस्तों उस पैसे को भारत सरकार ने किस तरीके से हड़प लिया वह आप अच्छी तरह जानते हैं, और निवेशकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यह पैसा कहाँ गया। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 करोड़ निवेशकों द्वारा निवेश किए गए पैसे का कभी
पल्स कंपनी पे होता था, लेकिन दोस्तों आज वो सारा पैसा भारत सरकार के पास है, जो निर्मल बंगू के प्रॉपर्टियों और उसके खातों को सीज कर प्रॉपर्टियों को बेचकर आउट ऑफ इंडिया जहां तक भी इनकी कारोबार फैले थे उन सब कारोबार को वहां की सरकारों से बिकवा कर वो पैसा सब एकत्रित कर लिया। लेकिन अभी तक किसी निवेशक को इस सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी। प्रोसीजर के नाम पर जो इस वक्त ऑनलाइन चल रहा है वो एक ऐसा माया जाल बिछा रखा है, जो ऑनलाइन लूट का जो डिजाइन सेट किया है वो लूट का डिजाइन लोढ़ा एंड कमेटी ने सेट किया है, जिसकी पूरी सेटिंग जो की है सेबी विभाग ने की है। तो दोस्तों कुछ ऐसा मैटर इस वक्त इस कंपनी का चल रहा है कि ये 49,000 रुपया, 49,000 करोड़ 100 रुपया लूट की कगार पर है। लूटने वाली कोई नहीं, एक सरकार है, इसने एक ही कंपनी नहीं ना जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शिकार बना रखा है, जिनका पैसा और उनके जो संचालक है उनके मालिक है उनको जेलों में डाल दिया गया है और उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि जैसे वो जाने कितने बड़े गुनाहगार हैं, उन्होंने जाने कितना बड़ा गुनाह किया, जबकि गरीब निवेशकों का एक पैसा दिलाने के लिए उन्होंने अपनी उनकी कड़ी मेहनत को उन तक डबल करके दिया। लेकिन आज इस कंपनी के नाम कितने इल्ज़ाम और कितनी इस वक्त इसके ऊपर एक्टें रखी गई हैं, कितने इसके ऊपर मुकदमे ला दिए गए हैं दोस्तों, हम जानते हैं, हमें पता है कि पल्स कंपनी कहीं से कहीं तक फ्लॉड नहीं थी, लेकिन दोस्तों इसे ज़बरदस्ती एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया गया जहां पर 4900 करोड़ रुपये की गबन की एक पूरी पिक्चर तैयार की गई, उसका डिज़ाइन तैयार किया गया, उसमें डायरेक्टर और जाने कितने कुछ डायरेक्टर जो इसके थे वो मर भी गए दोस्तों। इसकी पिक्चर तैयार करने में सबसे ज़्यादा रोल जो रहा है वो रहा है अरुण जेटली का। अरुण जेटली को कैंसर होकर मर गया और वो किस तरीके से मरा आप सब जानते हैं, सब गरीब निवेशकों की हाय का असर है दोस्तों। और ये 49,100 करोड़ रुपया हम लूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए संघर्ष के लिए आज से 30 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। पर हम अपने खून पसीने की कमाई के हक के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे, ये संकल्प है धरने प्रदर्शन करने वालों का और हमारा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, आपके कुछ कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।